बाबा रोगा एक स्लाविक चुड़ैल जैसी लोक आकृति है जिसके पास कई असाधारण पराक्रम होते हैं। वह सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बल्गेरियाई लोक कथाओं में पाई जाती है और रूस की कुख्यात बाबा यागा के समान ही दिखती है। बाबा रोगा एक बूढ़ी बदसूरत महिला है। उसके बाल उलझे हुए हैं, नाखून लंबे हैं और उसके माथे के बीच में एक सींग है। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं जो उसकी डरावनी छवि को और भी बढ़ा देता है। कुछ कहानियों के अनुसार उसकी केवल एक आंख होती है और शायद लोहे के दांत भी होते हैं। बोबा रोगा अपनी दुष्ट और धोखेबाज स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। वह अंधेरे और सुनसान स्थानों में छिपी रहती है, जैसे कि जंगल, गुफाएं या खंडहर इमारतें। उसकी पूंछें अक्सर बच्चों के लिए चेतावनी के संकेत के रूप में काम करती हैं, उन्हें सचेत करती हैं कि वे अच्छे बर्ताव करें और सुरक्षित स्थानों से दूर रहें। स्लाविक लोग कहते हैं कि उसके पास विविध अलौकिक शक्तियां हैं जिसमें रूप बदलना शामिल है। बाबरोगा अपने शिकार को चकमा देने या पकड़ने के लिए कई विभिन्न रूपों में बदल सकती है। कुछ कहानियों में वह एक रूप बदलने वाली के रूप में चित्रित है जो एक सुंदर युवती का रूप धारण करके मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा सकती है। बाबारोगा लोक कथाओं में एक अपहरणकर्ता और बच्चे खाने वाली है। वह शरारती या बुरा व्यवहार करने वाले बच्चों को अपहरण करके अपने ठिकाने पर ले जाती है। वह चालाकी से बच्चों को अपने पास आने के लिए बहकाती है और जब वे उसकी पहुंच में आ जाते हैं तो वह उन्हें झपट लेती है। बच्चों को सलाह दी जाती है कि वे अपने माता पिता के पास ही रहें। अज्ञात या सुनसान जगहों पर न घूमने की सलाह देता है ताकि वे बाबरोगा के हाथों न कैद हो जाएं। यह धमकी बच्चों में आज्ञाकारिता और बड़ों के प्रति सम्मान जगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाबा रोगा की कहानियां पीढ़ियों से पास होती आई हैं और वह स्लाविक लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध किरदार बनी हुई है। उसकी कहानियां बच्चों को मनोरंजित, शिक्षित और अकेले घूमने के खतरों से चेतावनी देने के तरीके के रूप में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। अपने माता पिता और बड़ों का आदर करने के महत्व को समझाता है।